सफर सच यूनिट के पूरे टीम को कि जो शुरू से हमारे छात्रों का आंदोलन को पिछले लगातार 3 महीनों से मैंने ऐतिहासिक सफल बनाने में कदम से कदम और कंधा से कंधा मिला करके हम लोग का इस आवाज को जन जन तक पहुंचाने में हम योगदान दे रहे हैं। 23 तारीख का विधानसभा घेराव, उसके बाद मुख्यमंत्री का पुतला दहन, उसके बाद कई जिलों में चक्का जाम। अब क्या लगता है कि विधानसभा के बाद मुख्यमंत्री आवास घेराव करने का के बाद भी आप लोगों का बात को सुना जाएगा? बिल्कुल सुना जाएगा। और हम बता देना चाह रहे हैं कि झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन पिछला 16 दिसंबर को जो माननीय हाईकोर्ट के माध्यम से 10वीं 12वीं आधारित जो असंवैधानिक नियोजन नीति था, जब से रद्द हुआ है तब से पूरे राज्य में बहुत कार्यक्रम को ऐतिहासिक सफल बनाया। कई बार आंसू गैस, लाठीचार्ज, फर्जी मुकदमा को भी झेला है, लेकिन अभी तक सरकार के तरफ से हमारी मांगों को लेकर के सीरियस नहीं दिखाई पड़ रही है और एक ठोस कदम भी नहीं उठाया है। इसलिए हम लोग अब ना चाहते हुए मजबूरन फिर से अब हम लोग ने सर्वसहमति से निर्णय लिया कि आगामी 8 अप्रैल 2023 यानी शनिवार को यही मोराबादी मैदान में पूरे राज्य के छात्र इकट्ठा होंगे और यहीं से हम लोग जो है कि अधिकार मार्च करते हुए माननीय मुख्यमंत्री तक आवास तक जाएंगे। मुख्यमंत्री महोदय के आवास तक इसलिए जाएंगे कि लगातार इतना ऐतिहासिक प्रोटेस्ट होने के बावजूद मुख्यमंत्री महोदय अभी तक मौन है। ऑन कैमरा आकर के नियोजन नीति के बारे अभी तक एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। इसीलिए हमको पता, हम लोग को मालूम है कि समस्या का समाधान का जो मूल जोड़ है यह मुख्यमंत्री महोदय है। इसलिए हम लोग ने ठाना है पूरे छात्र लोग सभी को मिलकर के कि अब हम लोग मुख्यमंत्री को ऐतिहासिक घेरेंगे और उस दिन पूरे राज्य के छात्र आएंगे, हजारों हजार लाखों लाख के छात्र आएंगे और उस दिन मुख्यमंत्री आवास पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि युवा जो होता है, युवा को पलटा दीजिएगा तो वायु होता है और वायु को दुनिया का कोई ताकत कैद नहीं कर सकता है। वायु को कोई ऐसा तंत्र नहीं है, कोई ऐसा मशीन नहीं है, कोई ऐसा कुछ चीज नहीं है कि वायु को कोई रोक दे। तो वायु उस दिन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री आवास तक और हम तमाम छात्रों से अपील करेंगे कि आइए और जहां से मौका मिलता है घुसिए, आगे से घुसिए, पीछे से घुसिए, दीवार फांद के घुसिए, वेंटिलेटर से घुसिए, सब जगह से घुसिए, उस दिन फैसला करिए। क्योंकि 60-40 जो नियोजन नीति है, ये चीज समझना होगा दादा कि आखिर 3 महीनों से लगातार जो छात्र अभी अपना एस मोच करना चाहिए, जो छात्र युवा को अभी इश्क लड़ाना चाहिए, इस उम्र में जो है कि अपना करियर का सोचते हैं, वो लड़का जो है कि वो छात्र लोग आज जो है कि लगातार 3 महीनों से जो है सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, लाठी डंडा FIR गोली बारूद का सामना कर रहे हैं। इसका मतलब वो लोग जानते हैं कि इस राज्य का इस नीति से भविष्य क्या होगा। चूंकि 60 और 40 का हम पुनः एक बार समझाना चाहेंगे, 60 जो है कि महामिश्रण है बाहरियों का और 40 शुद्ध रूप है बाहरियों का। अगर इसके तहत जो नियुक्ति अभी PGT का निकला है विज्ञापन और जो विज्ञापन अभी असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन का निकला है, अगर निश्चित ही आने वाले दिनों में झारखंड का इतिहास में ये वक्त ऐसा वक्त है कि इतना ज्यादा बल्क मात्रा में रिक्त पद पड़ा हुआ है 3.5 से 4 लाख और ये तमाम पदों पे अगर विज्ञापन होगा तो हम निश्चित कहते हैं कि आने वाला 35 साल मिनिमम 2058 तक का जितना भी झारखंड का सरकारी तंत्र है वो बाहरियों का गुलाम हो जाएगा। और जो यहाँ का नौजवान है जिसका एक सपना है अपना परिवार का सेवा करने का, जिसका सपना है कि यहाँ बूढ़े माँ बाप का सेवा करने का, जिसका सपना है इस राज्य का सेवा करने का, किसी को शिक्षक बन के बच्चों को शिक्षा देने का, किसी को पुलिस बन के इस राज्य का विधि व्यवस्था कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का, किसी का जो है कि कर्मचारी ब्लॉक में चाहे अधिकारी पदाधिकारी बन के यहाँ के लोगों का सरकारी योजनाओं को जरूरतमंद तक सही जरूरतमंद तक पहुंचाने का, तो ये तमाम जो उनका सपना है सेवा करने का ये भी चकनाचूर हो जाएगा। और बाहरी यदि आते हैं तो सेवा करने के उद्देश्य नहीं आते हैं, वो लूटने के उद्देश्य आते हैं। वो जो है कि आप इसका जीता जुकता उदाहरण देखते हैं कि पूजा सिंगल इज नॉट अ सिंगल, वीरेंद्र राम उसके ऊपर जो है कि उसका बेटा एक बार में 35,000 का टी-शर्ट पहन के फेंक दे रहा है। तो अगर ये सब होगा तो आने वाले दिनों पे जिस राज्य का जिसके पूर्वजों का जमीन पे कोयला अवरक सोना चांदी सारा चीज लोहा अयस्क पूरा भरा हुआ है और उसका बेटा बेटी बाहर में जाकर नौकर नौकरानी करेंगे, झाड़ू पोछा का काम करेंगे, खलासी ड्राइवर लेबर कुली का काम करेंगे, ये निश्चित है। हेमंत सरकार और कांग्रेस पार्टी की सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार को हम कहना चाहेंगे कि पॉलिटिक्स और राजनीतिक का गेम छात्र खेलना नहीं जानते हैं, वो तो
यहाँ के राजनीतिक जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ज्यादा जो है कि पॉलिटिक्स और राजनीति का गेम खेलना चाहता है, क्योंकि यही झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय गुरुजी जब मुख्यमंत्री बने थे तो भाजपा के सहयोग और भाजपा के संगठन के गठबंधन से बने थे, और वही भाजपा का अर्जुन मुंडा जी जब मुख्यमंत्री बने थे तब जो है कि यही झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहयोग से बने थे। तो ये लोग हम लोग को राजनीतिक गेम सिखाएंगे, ये लोग हम लोग को पॉलिटिक्स सिखाएंगे। अरे छात्र लोग को शुद्ध रूप से आंदोलन करते हैं, जब जरूरत होता है तो सरकार से वार्ता भी करते हैं, हम लोग सोल्यूशन चाहते हैं, हम लोग जो है कि समाधान चाहते हैं। ये सरकार अभी का अभी आपके कैमरा के सामने हमें स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं कि हमारा मांग पे विचार करे, ठोस निर्णय ले, खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करे, यहाँ विज्ञापन में फॉर्म भरने के साथ यहाँ स्थानीय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या भराना अनिवार्य किया जाए, यहाँ एक स्पेशल पेपर किया जाए जिसमें यहाँ के झारखंड का रीति रिवाज संस्कृति परंपरा का सवाल हो, यहाँ एक सभी पदों पर चाहे राज्य स्तरीय पद हो या जिला स्तरीय पद हो, सभी पदों में जो है कि एक क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का होना अनिवार्य हो, चूंकि बहुत ऐसा परीक्षा में नहीं है, अभी जेई में नहीं है, एई में नहीं है, पीजीटी में नहीं है, तो तमाम परीक्षाओं में हो। और तो और चूंकि हम बहुत बड़ा यहाँ सिस्टम पे माफिया तंत्र बैठा हुआ गिरो है यहाँ चोरी का, तो क्वेश्चन लीक बार बार करते हैं। अभी कुछ दिन पहले जूनियर इंजीनियर का हुआ लेकिन सजा कुछ नहीं हुआ, उसको बेल लेके चोर घूम रहा है बाहर, असली जो है कि असली चोर तो पकड़ाया भी नहीं है, नीचे वाला पकड़ाया है। तो उत्तराखंड के तर्ज पर पेपर लीक कानून यहाँ बनाया जाए, और जो क्वेश्चन और परीक्षा पे लीक पे पकड़ाया गया उसका 10 करोड़ का उस पर जुर्माना लगे और आजीवन कारावास हो, तभी जाके यहाँ के पढ़ने लिखने वाले छात्र को न्याय होगा। नहीं तो हम जानते हैं कि यहाँ के लगभग 6200 विद्यालय में एकमात्र शिक्षक हैं, किसी विश्वविद्यालय में जो है कि प्रोफेसर नहीं है, यहाँ का नेट GRF वालों को गाइड नहीं मिल रहा है, पढ़ाई पूरा ठप है, और यहाँ के तैयार यहाँ के विज्ञापन की तैयारी दिल्ली में फ्री कोचिंग कराया जा रहा है, और वहाँ दिल्ली में लखनऊ में जो है कि बिहार में पटना में वहाँ फ्री कोचिंग चलाया जा रहा है, फ्री में नोट्स दिया जा रहा है, और सब छात्रों को समझाया जा रहा है कि झारखंड में जो इस बार विज्ञापन निकला है वो सिर्फ झारखंडियों के लिए नहीं निकला है बल्कि सबके लिए निकला है, सबको ही जाकर नौकरी कर सकते हैं, सबको ही जाकर फॉर्म भर सकते हैं, इसलिए आप लोग पढ़ाई करिए, हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, ऐसा दिल्ली और पटना में कोचिंग चलाया जा रहा है।